अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू और मटरों वाले चावल। इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, 2 अदद इसमें टमाटर जाएंगे, 1 थोड़ा सा अदरक जाएगा और 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें हैं। और साथ इसमें जो मसाले जाएंगे वो इसमें क्या है, नमक लिया मैंने 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून ही कुटी लाल मिर्च है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है सफ़ेद ज़ीरा है, और 2 बादियान के फूल हैं, इसी तरह 2 बड़ी इलायची हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं। साथ ही इसमें मैंने मटर लिए हैं और लंबाई की शेप में मैंने इसमें आलू काट के डालने हैं। चलें आए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ये घी डाल दी है। घी गर्म होता है तो मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। प्याज को हमने करना है लाल गोल्डन, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने चावल कितने लिए हैं। चावल मैंने लिए हैं 2 ग्लास और आधा किलो के करीब आलू हैं और इसी तरह किलो के करीब करीब मटर ही हैं। प्याज हमारा लाइट पिंक कलर में आ गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर और सब्ज़ मिर्च और अदरक। सब्ज़ मिर्च और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे अब मैं इसमें मटर ऐड करने लगी हूँ, साथ ही इसमें मैंने ऐड करने हैं जो मसाले थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। आलू मैं अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी, मटर थोड़े से गल जाएंगे ना तो फिर आलू ऐड करेंगे, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ, सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं सारे इसमें ऐड करने लगी हूँ, सारे एक ही दफ़ा में डालने हैं। ये सर्दियों में बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि मटर जो मौसमी मटर होते हैं ना वो ज़्यादा सर्दियों में ही आते हैं, इसलिए इनका ये आ जाएगा मटरों वाले चावल बना के खाने का अपना ही मज़ा है। मटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तकरीबन 5 मिनट मैं घर से पकाऊँगी, फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे आके हम अपना नमक चेक करेंगे, क्योंकि मैंने तो 1 टेबल स्पून डाला था, फिर भी मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी, अगर कम हुआ तो मैं थोड़ा सा और डालती हूँ। यहाँ तक आके मैं इसको अब दम पे रखने लगी हूँ। दम हम लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट का, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलें जी, चावल हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने इनको सर्व किया है रायते के साथ। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।